श्रम विभाग की ओर से बुद्धि विहार मैदान में सोमवार को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 2700 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस दौरान मंत्रिमंडल के तमाम नेतागण मौजूद रहे। सोमवार को आयोजित विवाह समारोह में सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। युवक और युवतियों के 8-8 परिजन समारोह में शामिल हो सके। आयोजन स्थल पर बनाए गए 26 सेक्टर में अलग अलग निर्माण श्रमिकों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। समारोह में दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले 100 करोड़ की 36 योजनाओं का लोकार्पण और 12 योजनाओं का शिलान्यास किया। योजना है बिना किसी दहेज के और बिना किसी वाद विवाद के सभी लोग एक साथ आ रहे हैं। और जो मैंने कहा ना कि सामान्य रूप से आप विधायक और मंत्री को बुलाते अपनी व्यस्तता से समय नहीं निकाल पाते, लेकिन 2754 जोड़े देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री को भी आना पड़ा, 4-4 मंत्रियों को भी आना पड़ा और सभी एक दर्जन से भी हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता और क्या है, सामान्य परिवार में किसी के यहाँ शादी विवाह होता है तो शादी विवाह का कार्ड वो परिवार बांटता है, स्वयं जाता है, और इस शादी विवाह का कार्ड जो बांटने वाले कौन थे, न्योता देने वाले थे जिलाधिकारी कमिश्नर यहाँ के उप समायुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वे कार्ड बांट करके लोगों को न्योता दे दे करके बुलाए हैं। यानी कितनी है हाई लेवल की ये शादी विवाह पार्टी और इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सामीपता का दर्शन हो रहा है। ये जीवन में सामीपता का महत्व है। आज इस अवसर पर हम मुरादाबाद की अनेक योजनाओं का लोकार्पण एक मांगलिक कार्यक्रम हो तो मांगलिक कार्यक्रम में कुछ अच्छा और कुछ नयापन भी दिखना चाहिए। और आज इसका परिणाम है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ के जिला प्रशासन ने विकास परियोजनाओं के तमाम कार्यक्रमों को यहाँ पर भी आगे बढ़ा दिया है, जिसमें 183 करोड़ रुपए की लागत से 48 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है, जिसमें मुरादाबाद के विकास से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के लिए को लेकर के चाहे वह ऊपरगामी सेतु का हो, पेयजल की योजनाओं का है, तमाम जो हमारे बेसिक परिषद के जो विद्यालय हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें स्मार्ट क्लास का है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की परियोजनाओं का है और भी तमाम अन्य योजनाओं के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए बैरक के निर्माण की कार्रवाई और अन्य विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम को भी आज हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मंत्रियों ने संबोधन शुरू किया। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने योजना के तहत कराए जा रहे विवाह समारोह के बारे में बताया कि विवाह बंधन में बंध रहे जोड़ों को 20 करोड़ से अधिक की राशि दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि सर्व समाज के कल्याण के लिए सरकार पूरे मनोयोग से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना महामारी से जंग के लिए केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। श्रमिकों के कोरोना काल में दिखाए गए धैर्य के लिए उनको बधाई दी। समारोह में महापंचायत मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री बलदेव सिंह औलख, बदायूं सांसद संघ मिश्रा मौर्य, पूर्व सांसद सर्वेश सिंह, विधायक रितेश गुप्ता समेत कई विधायक और पूर्व सांसद मौजूद रहे। 1580 हिंदू, 1063 मुस्लिम, 109 बौद्ध, 1 सिख और 1 ईसाई जोड़े को सामूहिक विवाह कराया गया। श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के हितार्थ लगभग 16-17 कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनको विकास की मुख्य धारा में खड़ा किए जाने का प्रयास है। उन्हीं योजनाओं में से श्रमिक पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत
आज भव्य सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आपके मुरादाबाद में रखा गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सहित अनेक कैबिनेट के मंत्रीगण इन वरवधुओं को आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ आज देश का सबसे विशालतम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम मुरादाबाद में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 2600 से भी ज़्यादा वरवधु दाम्पत्य सूत्र में बनकर के अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसलिए आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी वरवधुओं को आशीर्वाद देता हूं, और साथ ही साथ श्रमिकों के लिए जो तोहफा योगी की सरकार, मोदी की सरकार लगातार देती जा रही है, उसी तोहफे में आज ये भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें एक श्रमिक पुत्री पर 75,000 रुपया खर्च हो रहा है, 65,000 रुपया कन्या के पिता के खाते में जाएगा, 10,000 रुपये में 5,000 रुपया कन्या के लिए परिधान के लिए और 5,000 रुपया दूल्हे के परिधान के लिए सुनिश्चित किया गया है। इस तरीके से इस भव्य आयोजन में हम अपने विभागीय अधिकारियों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं।